नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हाथरस कांड में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। सीबीआई टीम को आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं। इसके साथ ही केस में पुलिस की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों में से एक की हाई स्कूल की मार्कशीट सामने आई है। मार्कशीट के मुताबिक आरोपी नाबालिग है, बावजूद इसके पुलिस ने बिना छानबीन के उसे अलीगढ़ जेल भेज दिया, जबकि कानून के मुताबिक उसे बाल सुधार गृह भेजा जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, आरोपी की पहचान भी उजागर कर दी गई है। आरोपियों के घर पूछताछ करने पहुंची सीबीआई टीम के हाथ एक आरोपी की हाई स्कूल की मार्कशीट लगी है, जिसमें वो नाबालिग निकला। आरोपी की 10वीं की मार्कशीट है, जिस पर जन्म तारीख 2 दिसंबर 2002 दर्ज है। सीबीआई ने सस्पेंडेड पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ की। सोमवार देर रात तक सीबीआई की टीम ने कोतवाली चंदपा में सस्पेंड किए गए सीओ राम शब्द, इंस्पेक्टर डीके वर्मा और हेड मोहर्रर महेश पाल से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद अहम साक्ष्य जुटाने के बाद कैंप ऑफिस लौट गई। सीबीआई ने आरोपी की 10वीं कक्षा की मार्कशीट को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाथरस केस की जांच सीबीआई की टीम ने जब से संभाली थी, तब से पीड़िता के परिवार वालों से ही लगातार पूछताछ की जा रही थी। पीड़िता के भाई, भाभी, पिता और माँ से सीबीआई ने कई दफ़ा पूछताछ की थी, लेकिन अब जांच का दायरा आरोपियों की तरफ बढ़ा है। इन सब के बीच एक चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटू भी सामने आया था, जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।